हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2 जो कि है फैक्टराइजेशन, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो हम फार्मूला का यूज़ करेंगे वो फार्मूला है हमारा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये इसका मेन फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमें पूरा चैप्टर बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन नंबर का वन क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 49। ठीक है, तो हमें इसे इस फॉर्मूले में लाना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें सबसे पहले इसे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी इंटू एक्स होना चाहिए। एक्स के जगह में यहाँ पे हमारा ए है, दैट मीन्स कि यहाँ पे तो एक्स के जगह में ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी है, तो यानी कि ए प्लस बी होकर के हमें कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक ना, तभी तो मेरा 14 ए आएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी हम लोग देखिए, यहाँ पे 7 प्लस 7 ले सकते हैं, 7 ए हो गया और बी भी 7 है, तभी तो 7 और 7 को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी करने पे हमें 14 मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा है ए इंटू बी, दैट मीन्स ए हमारा ए 7 था और बी हमारा 7 था, तो 7 इंटू 7 ये हमें 49 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर्म देखिए, ये बिल्कुल ऐसा फॉर्म में आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक्स के जगह में ए है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए प्लस 7, ए हमारा था 7 और ए प्लस 7 क्योंकि बी भी हमारा 7 ही था। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, हम लोग चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आर का स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 21। ठीक है, सेम प्रोसेस, आर का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे देखिए हमें प्लस लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा r आ जाएगा, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे r आ गया। अब हमें यहाँ पे माइनस 10 लाने हैं, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम लोग प्लस या फिर माइनस करें जो कि हमें 10 मिले, और ये भी ध्यान रखना है कि उसको मल्टीप्लाई होने पे हमें 21 भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है, 7 और 3, अगर हम 7 और 3 को ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलेंगे, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 7 और 3 यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें माइनस 10 आर लाना है। ठीक है, लेकिन हमारा फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे माइनस 7 और फिर माइनस 3 लेने पड़ेंगे। दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस होकर के माइनस 10 बन जाएंगे, माइनस 7 माइनस 3 ऐड होकर के माइनस 10 बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो होगा ए इंटू बी, यानी कि 7 इंटू 3, पर हमारा ये जो है ये माइनस में है। ठीक ना, यहाँ पे हमने माइनस में लिया है ए बी को। चलिए, अब हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आर माइनस 7 और एक हो जाएगा आर माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस में लिया था इसलिए ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पी का स्क्वायर माइनस 17 पी माइनस 38। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर और ये प्लस, और फिर से वही किसे किसे हम लोग जोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए। तो हमें यहाँ देखिए मल्टीप्लाई से जाना, ठीक है, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 38 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि 19 में अगर हम लोग 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 को 2 से, तो 19 इंटू 2 हो जाते हैं 38। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, 19 और 2 को कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे लाना है माइनस 17, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 19 प्लस 2। अगर हम लोग माइनस 19 में 2 प्लस करेंगे तो हमें आंसर में माइनस 17 मिल जाएंगे, और 19 और 2 को अगर हम लोग सॉरी माइनस 19 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस 38 भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पी माइनस 19 इंटू टी प्लस 2, ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से सोचने की ज़रूरत है कि नंबर्स कौन से होंगे जिन्हें हम लोग ऐड करें तो भी हमें वही संख्या मिले, और मल्टीप्लाई करें तो भी हमें जो दिए गए संख्या है क्वेश्चन में
वो मिल जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे कितना है, 4x का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम लोग ए बी में क्या लेंगे क्योंकि x के जगह में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे x हमारा 2x है तो यहाँ पे x 2x हो गया। तो अब हमें यहाँ ए बी में क्या लेना है, तो हम देख रहे हैं कि x तो हमारा आ गया और यहाँ पे 2 भी है, तो अगर 2 यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं दैट मीन्स कि यहाँ जो भी आना चाहिए जोड़ करके वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 12 आएंगे। तो यहाँ हमें लाने हैं 6, ठीक है। 6 लाने कैसे पता चला ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो 12 था यहाँ हम लोग 2 ऑलरेडी ले चुके, तो 12 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना होता है 6 होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें ऐड करके 6 लाना है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग ले सकते हैं 3+3, ठीक है, क्योंकि 3+3 हो जाएंगे 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 = 12 और x तो है ही x, तो ये हो जाएंगे 12x, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे a इंटू बी जो हो जाएंगे 3 × 3, अब हमारा जो आंसर हो जाएगा 2x + 3 और फिर 2x + 3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 25, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x हो जाएंगे, यहाँ जब हमें 3x ले लिया है तो यहाँ कितने बच गए, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये 10, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें प्लस करके 10 लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5+5 और प्लस इसको 5 × 5 भी करेंगे तो भी ये 25 आ जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 3x + 5 और फिर 3x + 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सब में एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर बाहर कर लिया दैट मीन्स यहाँ पे क्या बच गए हमारे, 4 और एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 था, इससे हमने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस 12 और यहाँ पे बच जाएंगे हमारे सिर्फ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाहर कर लिया तो सिर्फ एक्स बच गया प्लस यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 9, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और अब हमें इसे जो है उस फॉर्मूले पे तोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएंगे ए प्लस बी के लिए हमने जगह छोड़ा और यहाँ पे 2x, 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते तो ये हो जाएंगे 6, दैट मीन्स कि 3+3 और फिर ये 3 × 3, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ओ 2x + 3 और फिर 2x + 3, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये 6 नंबर हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस प्लस यहाँ पे ए प्लस बी के लिए हमने जगह छोड़ा, यहाँ पे एक्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे हमें देखना है, देखिए यहाँ पे 77 ए इंटू बी होना चाहिए, तो यहाँ पे ए प्लस बी में हमें 4 लाना है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस 11, ओके चलो इसको 4 लिख देते हैं, उसके बाद माइनस 11। अगर हम लोग 11 माइनस 11 में प्लस 4 ऐड करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे, सॉरी मिस हो गया है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। 11 में माइनस 11 में अगर हम लोग प्लस 7 ऐड करेंगे तो हमें आंसर में 4 मिलते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि 7 × −11 जो है ये −77 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x + 7 और एक हो जाएगा x − 11, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x + 4, ठीक है। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए ए बी के लिए हमने जगह छोड़ा और यहाँ पे एक्स, और फिर देखिए यहाँ पे एक्स बाई 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ देखिए x बाई 2 हमारा जो x का टर्म था वो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें ये टोटल में कितने लाने हैं, −2x लाने हैं, ठीक है। यहाँ तो फॉर्मूला के हिसाब से प्लस होना चाहिए लेकिन हमारा यहाँ पे माइनस लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग x लिए हैं तो यहाँ पे x हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे y में 2 है, ठीक है, बटा 2 है ना,
तो अब यहाँ पे बट्टा दो है, अगर यहाँ पे दो ही रहता तो दो दो कट जाएंगे या सिर्फ एक्स बच जाएंगे, लेकिन हमें तो ये लाना है, ठीक है, ये सॉल्व हो करके ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको माइनस टू माइनस टू, क्योंकि माइनस टू कितने हो जाएंगे तो माइनस फोर हो जाएंगे, और ऊपर फोर और नीचे यहाँ पर टू है, तो टू से अगर हम लोग फोर को डिवाइड करेंगे तो टू हो जाएगा जो कि माइनस में आएगा, यानी कि माइनस टू एक्स यहाँ पर बचेंगे जो कि यहाँ पर हमारा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ते हैं और प्लस इसको माइनस टू इंटू माइनस टू, हम लोग यहाँ पे इसको ए इंटू बी लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये तो प्लस ही हो जाएंगे और टू इंटू टू फोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बाय टू माइनस टू और ये हो जाएगा एक्स बाय टू माइनस टू, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया वन नंबर फिनिश। चलिए अब हम लोग जो है 7.2 का टू नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। टू का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एक्स का स्क्वायर माइनस और नाइन को हम लोग थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए हमारा एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन जो है कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया आंसर। हम लोग थ्री नंबर देखते हैं। थ्री हमारा क्वेश्चन है थ्री ए का स्क्वायर बी का क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन ए टू द पावर फोर और बी, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले कॉमन निकालना है, क्या क्या कॉमन आएगा। देखिए थ्री इसमें है थ्री और यहाँ पे देखिए ट्वेंटी सेवन, ये थ्री का मल्टीपल्स है तो इससे हम लोग थ्री कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थ्री हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर और यहाँ पे ए टू द पावर फोर, तो इससे हम ए स्क्वायर पूरा कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ओ यहाँ पे बी भी था तो ए स्क्वायर बी यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्या बच गया, देखिए थ्री ए स्क्वायर और हमने यहाँ से एक बी भी निकाल लिया, तो यहाँ पे अब क्या बच गया सिर्फ बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, और यहाँ से हमने 27 से 3 हमने कॉमन निकाला है, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएंगे 9, ठीक है, 3 9 जा 27 होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए टू द पावर 4 है तो हमने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बच गया, बी बाहर कर लिया हमने, तो बस ये हमारे बच गए, ठीक है। अब 3 ए स्क्वायर बी और इसको हम लोग देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए का इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो थ्री ए का स्क्वायर बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, दैट मीन थ्री ए स्क्वायर बी बी प्लस थ्री ए एंड बी माइनस थ्री ए, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसमें से हम लोग ए को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया आंसर। चलिए अब फाइव नंबर चलते हैं। ट्वेंटी फाइव ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव ए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एकदम आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ट्वेंटी फाइव ए को कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, और अब यहाँ पे क्या बच गए हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ट्वेंटी फाइव ए, अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इसको हम लोग वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, यानी कि ट्वेंटी फाइव ए एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन
हो गया 5, 6। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 25, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस आर बाई 5 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये प्लस वाला है तो ये तो नहीं टूटेगा, ठीक है। बट ये अभी भी देखिए ए स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अगर हम लोग करते तो ये फॉर्मूला में टूट जाता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल 4, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। और फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला पे है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, इसे हमें तोड़ना नहीं है, बट इस वाले पार्ट को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। कैसे, ए स्क्वायर माइनस, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस टू ए बी होगा, लेकिन एक माइनस बाहर भी है, तो बाहर और अंदर दोनों माइनस माइनस मिला के ये प्लस हो जाएगा 2ab, और फिर ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग जैसे का वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए प्लस है और माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा बच गया प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो जैसा का वैसा ही रह जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बी है और उस पर भी बी है, तो बी हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएंगे 2a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर में एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 625, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 2 नंबर के सॉल्यूशंस थे। अब आपको 3 नंबर के सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।